भारतीय ड्रेसाज टीम ने इक्वेस्ट्रियन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत में राजस्थान की दिव्यकृति सिंह चमकते सितारे के रूप में उभरी। जयपुर पहुंचने पर दिव्यकृति सिंह का जोरदार स्वागत किया। इक्वेस्ट्रियन टीम में दिव्यकृति राजस्थान के एकमात्र एथलीट हैं। नागौर जिले के पीही मारवाड़ की रहने वाली दिव्यकृति ने चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड और गल्फ देशों जैसे खेल महाशक्तियों सहित 12 देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को जिताने में करियर का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो किया। मीडिया से बात करते हुए दिव्यकृति ने कहा कि एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। बचपन से मेरा एशियन गेम्स का सपना रहा है। हम सारे राइडर्स जैसे ही हम घुड़सवारी शुरू करते हैं भारत में, हमारे पास एक सपना होता है कि हम एशियन गेम्स तक जाएं। तो एशियन गेम्स में सिलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मैं जैसे कि मैंने कहा, मैं 3 साल से बाहर यूरोप में ट्रेन कर रही हूँ, तो ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं उसमें बहुत कठिन सफ़र रहा, पर ये जो ड्रीम था मेरा, ये मेरे बचपन से ही था। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये गोल लाए। एंड जो भी हमारा स्ट्रगल था, जो भी हमारे फेलियर्स, सक्सेसेस जो भी थे, दे ऑल सीम वेरी वर्थ इट नाउ, क्योंकि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया चाइना में।